नमस्कार नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे फैक्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, डे फैक्ट यूट्यूब चैनल आपको बताता है फैक्ट ऑफ द डेज और करंट अफेयर्स जो कि इस सिनेरियो में चल रहा है। दोस्तों, चलिए आज हम आपको बताएंगे कि क्या है कोरोना वायरस और कैसे इससे बचना है और क्या क्या उपाय करके आप इससे दूर रह सकते हैं। बेसिकली इस वायरस का आकार 400 से 500 माइक्रोन होता है, तो कोई भी मास्क इसे रोक सकता है। ज़्यादा कीमत का मास्क लेने की जरूरत नहीं है, आप हल्का मास्क भी यूज़ कर सकते हैं। यह वायरस हवा में नहीं रहता, यह किसी वस्तु पर या किसी जीव पर ही एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, यह हवा से नहीं फैलता। पहली बात, यह वायरस धातु पर पड़ा हो तो 12 घंटे तक ही जीवित रहता है। किसी ऐसी संक्रमित धातु को छूने के बाद साबुन और पानी से अच्छी तरह हाथ धो लें और दिन में कोशिश करें कई बार हाथ धोने की। तो दोस्तों, सबसे पहले एक मैं चीज़ बता देता हूँ जो बहुत ज़्यादा फैल भी रही है कि क्या इसके लिए सही उपाय है। तो आप क्या कीजिए, 2 लौंग, 1 इलायची, 1 कपूर की टिक्की और 1 फूल, जो फूल कोई सा भी ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एक फूल जिसमें ज़्यादा महक आती है, चमेली का, जिसका आप चाहें उसका फूल ले सकते हैं। इन सब को मिला के एक पुड़िया में बांध लें और इसे हमेशा अपने साथ रखें। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये पुड़िया एक एंटीवायरस का काम करती है और ये पुड़िया आपको तमाम अधिक से अधिक वायरसों से भी निजात दिलाएगी और आपको एक हेल्थी शरीर आपको महसूस होगा। तो दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो पहला क्या है, वॉश योर हैंड फ्रिक्वेंटली। दोस्तों, अपने हाथों को जितने ज़्यादा साफ कर सकते हैं, कभी भी किसी से हेलो मिलाएं देन उसके बाद अपने हाथ को साफ करें, खाना खाने के बाद हाथ साफ करें, जब भी टाइम मिले अपने हाथों को साफ करें, क्योंकि हाथों से ही बीमारी मुंह के पास जाती है और मुंह से अपने पूरे शरीर में फैल जाती है। दूसरी बात, अवॉइड करें अपना हाथ को मुंह या नाक से टच करने की। तीसरा, एक सोसाइटी से डिस्टेंस मेंटेन रखें, फ्रेंड्स से डिस्टेंस मेंटेन रखें, हेलो कम मिलाएं, हाय से काम चला लें और नमस्कार करें केवल, बहुत है, क्योंकि वो बीमारी ज़्यादा फैल सकती है उस काम करने से। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, क्योंकि पानी से सारा जो अंदर का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो फ्रिक्वेंटली गोइंग ऑन में रहता है, चलता रहता है, तो ताकि उससे क्या होगा, आपका शरीर अच्छा रहेगा, हेल्थी रहेगा। और कोई भी कफ वगैरह का फीलिंग आए या ब्रीथिंग हो तो डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर ले लें। और दोस्तों, मैं बात करूंगा कोरोना वायरस की। दोस्तों, कोरोना वायरस की जो डेथ रेशियो है बहुत कम है। दोस्तों, अगर आपको पता चले ऐसा वायरस आपके शरीर में है तो आप अपने दिमाग से काम लें, आप चिंता ना करें, टेंशन ना लें, ताकि इस बीमारी को बढ़ावा ना मिले। चिंता और टेंशन दिमाग में सर्कुलेट होती हैं, जिससे जो वायरस छोटा सा होता है उसको वो बढ़ा देती हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने कहानी अपनी वीडियो अपने YouTube चैनल पर डाली हुई है कि चिंता और टेंशन किसी भी बीमारी को एक छोटी बीमारी से बड़ी कैसे बना देती है, वो आप देख लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से टेंशन भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, जहां मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।